अध्याय 3 सूखे हाथ वाला। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वो उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। समुद्र तट पर विशाल जनसमूह। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमया, यर्दन के उस पार और तिरूस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था। रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वो उन्हें ये चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। 12 प्रेरितों का चुनाव। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वो उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया, सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेत्रुस रखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोआनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेयस, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्कारियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा के संबंधी। वे घर लौटे। फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रह गई है। ईसा और बेलजेबुल। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वो नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वो राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वो घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहां फूट पड़ गई हो तो वो टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर
उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वो उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वो उसका घर लूट सकता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करें, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वो अनंत पाप का भागी है। उन्होंने ये इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। ईसा के यथार्थ संबंधी। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता।